स्वागत है आपका क्रिक प्लेक्स पे। जी हाँ, इस वक्त मैच प्रीव्यू के साथ मैं संजय बबलू आपके बीच में, और यह मैच सुपर एट का ग्रुप टू का एक और मैच है, यानी कि ये बहुत ही शानदार मैच है। वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस मैच के दौरान पिच की क्या कंडीशन होगी और कौन से की प्लेयर हो सकते हैं दोनों टीमों में जो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो जी हाँ, चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज जो पिछला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही बड़े अंतर से जीत के आई है, उसका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे है। ग्रुप स्टेज के मैच में आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान को 100 से भी ज्यादा रनों से हराया, तो ये अच्छी बात रही कि उनके पास कमाल का स्ट्रेंथ है बैटिंग को लेके। और निकोलस पूरन की वो शानदार पारी 98 रनों की, आपने देखा होगा क्या कमाल की बैटिंग की। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो अपना शतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनका फॉर्म में आना टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ब्रैंडन किंग है, कई बार हमने देखा है बड़ी पारियां खेलते हैं। जोनाथन चार्ल्स, चार्ल्स ने 43 रन बनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ। और इसके साथ साथ आप देखें तो टीम के पास वहां पर रोमन पावेल ने भी एक कप्तान की पारी खेली। तो बैटिंग से ये लबरेज है टीम, और कैरेबियाई कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैच जो खेला था अफगानिस्तान के सामने, वही स्टेडियम भी है डैरेन सैमी क्रिकेट का ये मैदान, और इस मैदान पर इनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है अब तक अच्छे परफॉर्मेंस के लेकर। हेड टू हेड की बात करें तो अब तक 6 मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में 5 इंग्लैंड के सामने वेस्टइंडीज ने जीते और एक मुकाबला इंग्लैंड ने जीता है, यानी कि ये बैटल में भी वो भारी पड़े हैं। तो ये देखने वाली बात कि जैसे कि मैंने बताया हेड टू हेड की बैटल में भी आगे हैं। कुछ और नाम अगर आप देखें तो वेस्टइंडीज की बॉलिंग में अकील हुसैन ने तो कमाल की बॉलिंग की है, और आप देखें तो स्पिन के गेंदबाज है, लेकिन उनको हमने कई बार देखा कि पावर प्ले में आते हैं वो बॉल करने के लिए जब, तो विकेट भी निकाल के जाते हैं। और एक मैच आपको याद होगा उन्होंने 5 विकेट लिया था, और अब तक का सबसे बेहतरीन वो गेंदबाजी रिकॉर्ड रहा है उनका। साथ ही साथ अल्जारी जोसेफ जो कि टूर्नामेंट में 9 विकेट ले चुके हैं, और इसके अलावा मैं समझता हूं कि मोती जो एक और स्पिन के गेंदबाज है वो 7 विकेट ले चुके हैं। मैकॉय भी फॉर्म में आ चुके हैं बॉलिंग के साथ। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो बॉलिंग और बैटिंग का कॉम्बिनेशन है कैरिबियाई खिलाड़ियों का, ये कितना भारी पड़ेगा इंग्लैंड के सामने। दूसरी तरफ इंग्लैंड भी सुपर एट में पहुंची है अपनी काबिलियत से और दूसरों की किस्मत से। जी हाँ, आपको याद होगा वो मैच जो स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, कहीं वो मैच अगर स्कॉटलैंड ने जीता होता तो शायद आज इंग्लैंड सुपर एट में ना होती। नेट रन रेट के मामले में वो स्कॉटलैंड से थोड़ा आगे थे और इस वजह से वो सुपर एट में पहुंचे हैं। लेकिन भूलना नहीं होगा, एक बार की चैंपियन ये टीम है, उनके पास भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, वो बल्लेबाज और गेंदबाज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जॉश बटलर कैप्टन, अभी उनका फॉर्म में आना बाकी है। जिस तरह के वो बैट्समैन है, जिस तरह की उनकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, मुझे लगता है कि एक बार अगर वो फॉर्म में आ गए, एक पारी उनको चाहिए अपने फॉर्म को कम बैक करने के लिए, तो इसके बाद वो एक खतरनाक बल्लेबाज हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड कप में छोटी छोटी पारियां रही लेकिन स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है। विल जैक्स के साथ जॉनी बेयरस्टो और लिविंगस्टोन, ये थोड़ा सा बैटिंग इनका जो है वो लाइनअप बहुत ही अच्छा है। साथ में अगर मोइन अली को जोड़ दे जो ऑलराउंडर है, तो कमाल का इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। वहीं बॉलिंग में थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस आया है बैटिंग की तुलना में, दो स्पिन गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं आदिल रशीद, और कई बार हमने देखा है मोइन अली को भी ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मार्कवुड और साथ ही साथ जोफ्रा आर्चर, ये दोनों पेस गेंदबाजों की जोड़ी ने अब तक कहर बरपाया है। कम बैक करके आए हैं जोफ्रा आर्चर और क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मैच बहुत ही शानदार होगा और एक अच्छा स्कोर शायद देखने को मिलेगा और एक अच्छी बैटल देखने को मिलेगी डैरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में। हमारे साथ इस मैच के दौरान हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैच प्रीव्यू में 50-50 का मैच है, लेकिन थोड़ा सा पलड़ा तराजू में वेस्ट इंडीज का इसलिए भारी है कि पिछला जो मैच खेला इसी ग्राउंड पे खेला और वो फॉर्म में उनकी टीम आ गई है, और मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा कंडीशन उनको एडवांटेज दे सकता है। लेकिन इंग्लैंड भी कमबैक करने के लिए जानी जाती है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा।
मैच प्रभु में बस इतना ही, धन्यवाद।